गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस लेसन का नेम है ए यूनिक बर्थडे पार्टी, यानी एक अनोखी बर्थडे यानी जन्मदिन। बर्थडे माने जन्मदिन होता है और ये एक ऐसी स्टोरी है, इसमें दो बॉयज हैं, दो लड़के हैं अमन और करण। ये उन दोनों की बर्थडे है, उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे होता है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का बर्थडे मनाया और किस तरीके से मनाया और उस बर्थडे में उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, तो यही जानने के लिए पहले मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा, आपको तब पता चलेगा। तो आइए पहले हम लेसन पढ़ते हैं ए यूनिक बर्थडे पार्टी। स्टूडेंट, लेसन का नेम है ए यूनिक बर्थडे पार्टी, यानी एक अनोखी जन्मदिन पार्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू, सेट कबीर टू अमन। कबीर ने अमन से कहा कि तुमको जन्मदिन की बधाई हो। थैंक यू, सेड अमन। अमन ने उसे धन्यवाद दिया। बट यू डोंट रिमेम्बर वन थिंग, सेट कबीर। कबीर ने कहा लेकिन यू डोंट रिमेम्बर वन थिंग, तुम्हें एक चीज याद नहीं है। आई डू रिमेम्बर ओ डियर, सेड अमन स्प्रीडिंग हिज हैंड एंड टेकिंग कबीर इन हिज एम्ब्रेस। उसने कहा आई डू रिमेम्बर ओ डियर, यानी ओ प्यारे मुझे याद है, और ये कह करके अमन ने अपने दोनों हाथ स्प्रीडिंग मतलब फैलाना फैला ली और कबीर को इम्प्रेस कर लिया। इम्प्रेस मतलब होता है गले लगाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने भी उसको धन्यवाद दिया। आई हैवन्ट फॉरगॉटन दैट योर्स एंड माई बर्थडे फॉल ऑन द सेम डे। मैं भूल नहीं सकता हूँ कि तुम्हारा और मेरा जन्मदिन एक ही दिन यानी सेम डेज को होता है। हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आस्क्ड कबीर। कबीर ने पूछा कि हाउ आर यू गोइंग, तुम अपना बर्थडे किस तरीके से मनाने जा रहे हो। आई विल विजिट द टेम्पल विद माई पेरेंट, सेड अमन। अमन ने कहा मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाऊंगा, टेम्पल मतलब मंदिर जाऊंगा। एंड वॉट अबाउट यू, और तुम क्या करोगे। माई फादर डजंट लाइक होल्डिंग ए बर्थडे पार्टी, ही डोनेट मनी टू द पुअर ऑन दिस डे, सेड कबीर इन ए सीरियस वॉइस। कबीर ने बहुत गंभीर होके कहा कि मेरे पिताजी इस तरीके की जन्मदिन की पार्टी को नहीं मानते हैं। इस दिन वो गरीबों को धन दान में देते हैं। वी कैन डू वन थिंग, वी कैन अरेंज फॉर द पार्टी टुगेदर ऑन अवर ओन एंड इनवाइट अवर पेरेंट्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। आई हैव 50 rupees इन माई पिगी बैंक, सेड अमन। अमन ने कहा हम लोग एक काम करते हैं, वी कैन डू वन थिंग, यानी हम लोग एक काम करते हैं, वी कैन अरेंज, हम लोग एक पार्टी की व्यवस्था करते हैं साथ में, और फिर हम लोग अपने माता पिता, अपने फैमिली यानी परिवार, अपने फ्रेंड्स यानी मित्र को इनवाइट भी करेंगे, इनवाइट मतलब उनको बुलाएंगे। आई हैव 50 rupees, मेरे गुल्लक में 50 rupees हैं। दैट्स गुड आइडिया, आई टू हैव 60 rupees, सेट कबीर। कबीर ने कहा हाँ ये अच्छा विचार है, मेरे पास भी 60 rupees हैं। देयर हाउसेज वर इन द नेबरहुड, उनके घर भी पड़ोस में ही थे। देयर
वॉज ए गैराज ऑन द बैक ऑफ द अमन हाउस। अमन के घर के पीछे एक गैराज था। गैराज किसे कहते हैं? गैराज वो जगह होती है जहां पे लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो अमन के घर के पीछे एक गैराज था। ए पार्ट ऑफ द गैराज वॉज लाइंग एम्प्टी एज वन कार हैड गॉन फॉर रिपेयर। उस गैराज का एक भाग खाली पड़ा था क्योंकि एक दूसरी कार की रिपेयर होना था, इसलिए वो बाहर गई हुई थी। कबीर एंड अमन क्लीन द गैराज थारोली। कबीर और अमन ने उस गैराज को अच्छे से साफ किया। दे कॉल्ड देयर फ्रेंड टू। उन्होंने अपने मित्रों को भी बुलाया। दे वेंट टू मार्केट एंड बॉट नेसेसरी थिंग्स। वे बाजार गए और जरूरत के सामान खरीद के लाए। दे डिड नॉट फॉरगेट टू बाय ए स्मॉल केक टू। और इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा केक लेना भी नहीं भूले। दे डेकोरेटेड द गैराज। उन्होंने गैराज को सजाया। इन द इवनिंग शाम के समय व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी जब सब चीज तैयार थी, कबीर एंड अमन वेंट टू कबीर पेरेंट्स टुगेदर एंड इनवाइट देम फॉर ए बर्थडे पार्टी। जब शाम के समय सब कुछ तैयार हो गया तब कबीर और अमन दोनों कबीर के माता पिता के घर गए और उन्हें जन्मदिन पार्टी में इनवाइट किया, यानी आमंत्रित किया। देन दे वेंट टू अमन्स पेरेंट्स एंड इनवाइटेड देम टू। इसके बाद वो लोग फिर अमन के माता पिता के घर गए और उन्हें भी आमंत्रित किया। एवरीबडी प्रेज द टू चिल्ड्रन फॉर देयर इंटरप्राइज। प्रत्येक लोगों ने उन दोनों बच्चों की आपसी सहानुभूति की बहुत प्रशंसा की। कबीर एंड अमन कट द सेम केक टुगेदर एमंग क्लैप फॉर देयर पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड। कबीर और अमन ने एक साथ मिलकर जैसे ही केक काटा, उनके माता पिता, उनके परिवार के सदस्य और मित्रों ने तालियां बजाई। एवरीबडी सैंग इन कोरस कबीर एंड अमन हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके बाद प्रत्येक ने उनके लिए गाना भी गाया। क्या? कि कबीर एंड अमन तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन ए यूनिक बर्थडे पार्टी समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।